वेलकम टू माय चैनल आरएफ की टेक और मैं हूं आरएफ खान। दोस्तों जैसे कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, जैसे कि मैंने अपने टिकटॉक प्रोफाइल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, तो दोस्तों बहुत से लोग इस तरह के नहीं दे सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करने वाले हैं कि इसका फायदा क्या है अगर हम टिकटॉक अकाउंट में किसी और मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब अदर एप्लीकेशन का लिंक एड करें तो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है दोस्तों, अगर आपकी टिकटॉक आईडी पर वीडियो वायरल हो जाता है या वीडियो पर व्यूज आ जाता है तो वो व्यूज आपकी टिकटॉक प्रोफाइल ओपन करते हैं। जब वो अपने आपके टिकटॉक प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वो ये लिंक्स देखते हैं, तो फिर वो इस पर क्लिक करेंगे कि यार ये किस चीज का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपके फेसबुक का लिंक होगा तो आप वो टिकटॉक फ्रेंड जो आपके साथ टिकटॉक में है वो आपके फेसबुक पर भी जाएंगे, आपके यूट्यूब पर भी जाएंगे, आपके इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे। तो इससे आपका ये फायदा है कि आपके टिकटॉक से लोग आपके अदर्स अकाउंट पर भी लोग आएंगे, आपके इंस्टाग्राम पर आएंगे, आपके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे, आपके यूट्यूब चैनल पर भी आएंगे, आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह के मतलब टिकटॉक के अलावा लोगों के बहुत सारे आईडीज होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब बहुत सारे। तो इन सब का आप लोग टिकटॉक प्रोफाइल में लिंक दे सकते हो। तो दोस्तों कैसे देना है आज की स्टूडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों का अगर तरीका मालूम नहीं है तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों ने क्या कर देना है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देख रहे हैं ताकि आप लोगों को सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से यार एक लाइक कर दो, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कर दो, बेल के बटन भी दबाओ ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को लाजमी पहुंचे, क्योंकि मैं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो चलो दोस्तों जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर लाइव प्रूफ सीखते हैं कि कैसे हम अपने टिकटॉक प्रोफाइल में अदर्स आईडी अदर अकाउंट का लिंक कैसे डाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आइए। सो फाइनली जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने टिकटॉक प्रोफाइल पर आ चुका हूँ। तो आप लोगों ने क्या कह देना है, जस्ट आप लोगों ने एडिट प्रोफाइल जैसे कि आप लोगों को दिखाई देता है, सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे पहले नेम, यूज़र नेम, बायो, वेबसाइट, कैटेगरी, इंस्टा, यूट्यूब। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने ये वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, वेबसाइट। तो सिंपली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग एक और लिंक देना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर तो ये दूसरी लाइन में आना है, और इसके लिए मैं यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर सेट करता हूँ। जैसे कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है तो सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कॉपी लिंक, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो लिंक कॉपी हो गया। और मैं अब आ जाता हूँ वहाँ पर, तो यहाँ पर मैं वो लिंक को पेस्ट करूँगा। तो ये देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली ऊपर आप लोगों को रेड कलर में सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, तो सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है तो ये सेव हो जाएगी। तो ये देख सकते हो आपके यहाँ पर आ चुका है वो लिंक, तो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो चुका है ये www फेसबुक, यहाँ पर यह सेट हो चुका है। तो कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपका फेसबुक अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो एक ही लिंक दे दो, क्योंकि ये सारा लिंक्स जो है ना ये एक ही लाइन में बन जाएंगे। तो आप लोग एक ही लिंक दो किसी का कुछ किसी भी अकाउंट का तो वो बेहतर होगा, ज़्यादा लिंक्स ना दें तो बेहतर होगा। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया इस तरीके का लफड़ा है, इस तरीके का सब कुछ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने टिकटॉक प्रोफाइल में लिंक इस तरीके से ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नाम दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। तो चलो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।